स्वागत है गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके गाइस। और इस वीडियो के टाइटल में जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है फाइनल्स की, वर्ल्ड वार्म अप जो टूर्नामेंट चल रहा था उसके फाइनल्स की। पर पहले तो मैं आपका स्वागत कर दूं, तो गाइस स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डोज ऑफ क्लैश। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ और हो जाओ हमारे साथ, चैनल में जुड़ जाओ, फैमिली बन जाओ, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा गाइस। तो गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की। और गाइस जिनको हिंदी नहीं आती है ना, उनके लिए इंग्लिश चैप्टर्स मैंने एंड में रखे हैं। फॉर ऑल ऑफ दोस हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश चैप्टर्स इज अवेलेबल ऑन द, जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन, यू विल सी द चैप्टर्स, गो ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड this language which is called Hindi and Indian language. So skip this part and go to the Indian section, all the English viewers. But ab badhte hain video ki taraf. So ruko zara, sabar karo. Jaise ki aapko pata hai guys, maine stream bhi kiya tha iske bare mein. Ah, response aap logo ne acha nahi diya, uske liye thoda mujhe you know acha nahi laga. Par ye generation ka na yahi problem hai. Aap logo ne jitna bhi response diya, jitna bhi matlab आप लोगों ने जितनी भी सपोर्ट दिखाई उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया था। अभी मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा वो फाइनल के मैचेस। काफ़ी सारी टीम्स इसमें थी, आई थिंक जितनी भी टीम्स थी सब ने कोशिश की। और आप यहाँ पे न्यूज़ फीड में भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इनकी लाइव स्ट्रीम भी स्पोर्ट्स सेक्शन में चल रही थी। और यहाँ पे फाइनल्स होना था इनका, वतांग यू नो बहुत सारी टीम्स थी, सुपर स्पेस स्टेशन, वतांग का क्लैन, ये अपना क्वीन वॉकर स्टेफनी जो थ्री स्टार स्पेशलिस्ट की टीम कहा जाती है, जिसके अंदर बहुत से बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, खाकू करके हैं, बहुत सारे हैं। तो गाइस कौन जीता मैच, कौन जीता टूर्नामेंट, आपको पता चलने वाला है इसी वीडियो में। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी बकचोदी के। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये गाकू का अटैक था, ये वतांग के क्लैन स्टार्टिंग के ये चल रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस क्वीन वॉकर स्टेफनी की तरफ से मिस्टर एमएस गाकू मुश्ताबा एंड स्टेफनी की टीम से, और इन्होंने ये वाला जो अटैक किया था इतनी अच्छी तरीके से निकाला कि ये हो चुका था इनका थ्री स्टार। और वतांग का जो क्लैन था वो इस मैच में क्वीन वॉकर स्टेफनी से हार चुका था। आपको कुछ और अटैक्स भी दिखाएंगे गाइस, और आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैचेस हुए थे। खाली क्वीन वॉकर स्टेफनी की टीम थी, क्वीन वॉकर स्टेफनी बिल्कुल ही आराम से मैचेस आगे प्रोसीड करते हुए थे। और बिकॉज थ्री स्टार लाना इनकी एक स्पेशलिटी मानी जाती है, और इस टीम में वो सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपको दिख जाएंगे। इस अटैक में गाइस वतांग के क्लैन ने कोशिश की थी कि यहाँ पे क्वीन वॉकर स्टेफनी के क्लैन को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिया जाए। बिकॉज आपने देखा गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, क्वीन वॉकर स्टेफनी इस वक्त दो अटैक्स करते हुए 6 स्टार ले चुकी थी, और वतांग का क्लैन दो अटैक में 4 स्टार लेकर गया था। तो इनको ये इस अटैक में 3 स्टार करना ही था, क्योंकि क्वीन वॉकर स्टेफनी बड़ी ही आसानी से 3-3 स्टार हर अटैक में कर रहे थे। और ये एक एग्जाम्पल था कि यहाँ पे इन्होंने भी कोशिश की थी, पर PSW जो था ये 3 स्टार नहीं कर पाया, हो सकता था, पर 97 पे ये अटक के रह गया। और इस अटैक के बाद वतांग की टीम काफी दिक्कत में थी गाइस, और स्टार्स ने फिर से कोशिश की, मतलब 3 अटैक हो चुके थे वतांग के, थोड़ा पीछे चल रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस MS स्टार्स क्वीन वॉकर स्टेफनी से फिर से गए अटैक करने, और बहुत आसानी से टाउन हॉल को इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल किया गया, और गॉबलिन से ही, सुपर गॉबलिन से ही उतारा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस MS स्टार्स जो है क्वीन वॉकर स्टेफनी के प्लेयर, मतलब इनके पास सारे प्लेयर्स ऐसे भरे पड़े हैं जो 3 स्टार स्पेशलिस्ट कहलाया, मतलब उनको 3 स्टार स्पेशलिस्ट कहा जाता है। वो एक रीजन की वजह से, क्योंकि जितने भी अटैक करते हैं इतने स्किलफुल अटैक होते हैं कि मतलब कि आप मतलब इनसे सीख सकते हैं, मतलब ये अपनी, अरे कहना क्या चाहते हो, एक कोचिंग क्लासेस भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके सारे अटैक गाइस बहुत अच्छे अटैक जाते हैं, और हर अटैक में 3 स्टार करने का इनका ये रिकॉर्ड भी बना इस टूर्नामेंट में। दे वेंट ऑन टू मेक 3 स्टार रिकॉर्ड इन दिस टूर्नामेंट। और यहाँ पे
गाइस देखिए कितनी ब्यूटीफुली मतलब ब्यूटीफुल तरीके से टाउन हॉल को टेक डाउन किया। लावा लून स्टार्ट किया इन्होंने 9 o'clock से, और किस तरीके से किस आसानी से गाइस बढ़ा जा रहा है। इतने स्पेल्स, 3 spells इनके पास ऐसे ही पड़े थे, वो भी यूज ना भी करते तब भी अटैक में ये MS स्टार्स की तरफ से 3 star आता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में गाइस कितनी आसानी से 3 star कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है गाइस कि क्वीन वॉकर्स 7 शुरू से ही फॉर्म में लग रही थी और लग रहा था कि ये टूर्नामेंट क्लैश ऑफ क्लैंस का वर्ल्ड वार्म अप टूर्नामेंट ये क्वीन वॉकर्स स्टेफनी के परले मतलब उनके पास ही आने वाला है, क्योंकि सारे अटैक्स गाइस 3 3 star MS स्टार्स ने भी किया है। यहाँ पे 3 star वतांग के क्लैन का जो डिफेंडर्स था, वतांग के क्लैन से जो लैंस लोता था उनका एक ये शायद लोता वैसी होगा जो मतलब क्या बोले इसके बारे में गाइस, हर अटैक 3 star। इन्होंने कोशिश जरूर की थी कमबैक करने की, पर यहाँ से ये बाहर निकल गई थी वतांग की टीम। लोअर सेमीफाइनल्स में ये लूजर सेमीफाइनल में आगे आए थे वतांग का, और आप देख सकते हैं गाइस ये वतांग का लास्ट अटैक था और यहाँ पे इजिली 3 star लाते हुए वतांग का क्लैन जीता था और प्रोसीड कर गया था फाइनल्स में। और फाइनल्स होने वाला था उनका एक ऐसी टीम के साथ जो इस पूरे टूर्नामेंट में क्लैश ऑफ क्लैंस के वर्ल्ड टूर्नामेंट में पूरी तरह से डोमिनेट कर चुकी थी। और यहाँ पे वतांग का क्लैन इस मैच में विजयी रहा। स्पेस स्टेशन गेमिंग ने कोशिश की थी पर उनसे ना हो पाया, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। पर वतांग आप मैच देखेंगे वो फाइनल्स था गाइस, लास्ट के अटैक्स में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस चलते हैं फाइनल्स की तरफ जिसमें होना था वतांग के क्लैन का मैच वर्सेस क्वीन वॉकर स्टेफनी। क्लैंस लोता की तरफ से वतांग के क्लैन से लास्ट अटैक था, कोशिश बुरी की थी इन्होंने कि यहाँ पे ये 3 star निकाले। क्या होगा आपको अभी दिखेगा स्क्रीन पे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक था लैंस लोता की तरफ से। मतलब ये वतांग के क्लैन अगर यहाँ पे 3 star नहीं निकालता तो क्वीन वॉकर को सिर्फ 2 star निकालने थे, परसेंटेज फिर गेम हो जाना था। पर यहाँ पे इन्होंने पूरी कोशिश की थी गाइज इनविजिबिलिटी का स्पेल यूज़ करते हुए लावा को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश थी। क्वीन यहाँ पे क्वीन को बड़ी कोशिश की जा रही थी रिवाइव करने की, क्योंकि क्वीन की हेल्थ काफ़ी लूट हो रही मतलब डाउन हो रही थी। लावा लून इन्होंने भी स्टार्ट किया यहाँ से ऊपर से, अभी तक सीज मतलब इन्होंने एक गलती कर दी गाइज की क्लैन ये जो अपना इन्होंने टावर था टाउन हॉल का टावर था इसको सीज मशीन से नहीं डाउन किया, तो वहाँ से इनको स्टार्ट करना पड़ा। और आखिर में जाके गाइज 49 सेकंड्स बचे थे और इनको पता चल चुका था कि ये अटैक 3 star नहीं होने वाला, पर परसेंटेज की पूरी गेम थी। पर यहाँ पे स्कैटर शॉट से इतना डैमेज दिया कि परसेंटेज भी पूरी लेके नहीं लेकर आए इस अटैक में, और इनको पता चल चुका था। आप इनके शक्ल में देखिए गाइस फेस कैम में, इनको लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा स्कैटर शॉट्स, तो ये मिनियंस को डिस्ट्रक्शन पॉइंट भी नहीं लेने देंगे। और यहाँ पे 88% पे ये अटैक ख़त्म हुआ था, लैंस लोता नहीं कर सके कुछ। और यहाँ पे गाइस पहला लास्ट अटैक होने वाला था एमएस यूता की तरफ से। आप देख सकते हैं गाइस अपने भगवान को याद करते हुए एमएस यूता कह रहे थे कि भाई प्लीज ये 3 star आ जाए और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए, और पूरी कोशिश रही थी एमएस यूता क्वीन वॉकर स्टेफनी की तरफ से। क्वीन वॉक शुरुआत में थोड़ा इन्होंने स्लो स्टार्ट किया, लून्स के साथ थोड़ा यू नो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्डिंग्स उनकी तरफ थोड़ी भड़क जाए, रेज का इस्तेमाल बहुत ब्यूटीफुली किया था और हीलर्स को बचाने के लिए लून्स की डिप्लॉयमेंट भी की। लॉक लॉन्चर इन्होंने यूज़ किया था ईगल आर्टिलरी को टेक डाउन करने के लिए, और साथ ही साथ इन्फर्नो भी अगर टेक डाउन हो जाता है लॉक लॉन्चर की मदद से तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात थी। और इसके साथ आप देख सकते हैं गाइस लॉक लॉन्चर टावर तक भी पहुँच गया था, टावर को भी थोड़ा थोड़ा डैमेज किया था, बट ये बहुत स्किलफुल अटैक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार क्वीन वॉकर सेफनी में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं सारे स्पेशलिस्ट हैं, हर अटैक उनको अच्छी तरीके से आता है, और वही प्रदर्शन भी इन्होंने किया। इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कुछ दिक्कत देने वाला है, पर इनके पास पूरा लावा लून का अटैक अभी बचा हुआ था। और यहाँ पे क्वीन जब गई गाइज इस पल पे लग रहा था कि ये शायद 3 star नहीं होगा, परसेंटेज का खेल, हील स्पेल्स, जंप स्पेल, पता नहीं क्या क्या इनके पास पड़े थे, जंप का कोई इस्तेमाल ही नहीं होना था क्योंकि सब कुछ इनके ट्रुप्स जो खासकर ये अपने, इस पल में गाइस लगा कि ये अटैक होने वाला है फेल। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं गाइस इनके पास जंप स्पेल है, उस जंप स्पेल का इस्तेमाल ही किस पे करेंगे, हीलर्स वहां पे रुके हुए थे क्योंकि हील करने के लिए कुछ बाकी नहीं था, सिर्फ लून्स बचे हुए थे। और स्पेल्स की बात की जाए गाइस हैज स्पेल इनविजिबिलिटी एक और एक फ्री स्पेल बहुत ही ध्यान से एमएस यूटा क्वीन वॉकर स्टेफनी की तरफ से खेलते हुए ये वाला अटैक बहुत ध्यान से करना चाहिए था, करना था इनको, और वही किया गाइस। यहां पे इस पल पे इन्होंने इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल करके
मतलब कि वो कर डाला जो वो करना चाहते थे, और उनको पता चल चुका था इस मोमेंट में कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई ये कैसे निकाल दिया, परसेंटेज 3 स्टार होगा कि नहीं होगा, उनको विश्वास नहीं हो रहा था फेस कैम में। आप देख सकते हैं वो हाथ हिला रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे, कहते भाई 3 स्टार दिलवा दे, पर यहाँ पे नहीं हो पाया था 3 स्टार। 0.1 सेकेंड का डिफरेंस की वजह से आधी परसेंटेज बची हुई थी इस लास्ट आखिरी बिल्डिंग की, पर 3 स्टार नहीं आया, 99 और ये हो गया था यहाँ पे ड्रॉप। बट डिस्ट्रक्शन पॉइंट थे क्वीन वॉकर स्टेफनी के पास, और यहाँ पे क्वीन वॉकर स्टेफनी जीत चुकी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में विनर हो चुके थे क्वीन वॉकर स्टेफनी इतने बड़े टूर्नामेंट में। गाइस $30,000 का वर्ल्ड वार्म अप क्लैश ऑफ क्लैंस का ऑफिशियल टूर्नामेंट था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस कि मैं इस टूर्नामेंट को, मुझे अप्रूवल मिला था इसको कास्ट करने का। आप लोगों ने वो सपोर्ट नहीं दिखाई थी लाइव स्ट्रीम में जब ये कर रहा था, तो इतने लोग नहीं आके देख रहे थे, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील कर रहा था कि मैं इतने बड़े टूर्नामेंट को एक कन्फर्म्ड स्ट्रीमर की हैसियत से स्ट्रीम कर रहा था या रिकॉर्ड कर रहा था, जो भी कर रहा था मज़ा आया। और यहाँ पे प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में बात करेंगे गाइस, गाकू हो गया, क्लॉस भी थे इनमें, स्टारड्राट, स्टार्स, यूता, ये कोरियन टीम ऑलमोस्ट थी इनके पास, और सबने 3-3 स्टार निकाले, सिर्फ क्लॉस और यूता थोड़ा चूक गए थे। बट डिस्ट्रक्शन पॉइंट वटांग का भी बहुत सॉलिड था यहाँ पे, आखिर में 0.3% के डिफरेंस से वतांग का क्लैन नहीं जीत पाया। बहुत कोशिश अच्छी की थी वतांग के क्लैन ने भी, पर क्वीन वॉकर स्टेफनी एज यूजुअल पूरी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन में आप देख सकते हैं गाइस, स्पेस स्टेशन गेमिंग नंबर 3 पे रहे ब्रॉन्ज पे, नंबर 2 सिल्वर पे रहे वतांग का क्लैन, और नंबर 1 पे रहा क्वीन वॉकर स्टेफनी। ये डॉक्टर मुश्ताबा एंड मिसेस मुश्ताबा का की टीम है, स्टेफनी की टीम है ये, और पूरे कोरियन प्लेयर्स भरे पड़े हैं, और नंबर 1 पे आए क्वीन वॉकर स्टेफनी। और चलिए गाइस बढ़ते हैं अब इंग्लिश कमेंट्री पे। यू गाइस कैन सी दे गॉट 5 अटैक्स, they got 13 star destruction points, very good, as far as queen walker stephanie the stats in the right column you guys can see 4 attacks, 11 stars they needed 3 star on this base, but at this particular moment everybody was silent and everybody was thinking what the hell just happened, because it was looking like a 3 star healers would left, but all the heroes got taken down by the inferno tower. And at this moment, everybody thought that it's over for Queen Walker Stephanie, because they might lose with the destruction, but he had 1 free spell, 1 invisibility spell and 1 jump spell, which he cannot even use. And there you go, guys, that was a deciding spell. And he knew it at this moment that with the help of the invisibility spell, He could have gotten 3 star, but time fail it was, but 98% he got in this particular attack made Queen Walker Stephanie the winner of this big tournament, Clash of Clans World Warm-Up Tournament, and they won. He even swagged the jump spell and he was so happy, like, what? Like 3 star, but congratulations to Queen Walker Stephanie for winning this Clash of Clans World Warm-Up Tournament, the finals between Queen Walker Stephanie versus Wutang, and the winner was Queen Walker Stephanie. So I congratulate Queen Walker Stephanie for winning this big tournament, Clash of Clans World Tournament, and I congratulate every single player who contributed for this team. Queen Walker Stephanie really has so much skillful players. There you guys can see the stats, and let me know in the comment section what you guys think about this video. Support this video, guys. I need you guys to support and share this video as much as you guys can, because this is a different content than usual content that I post on this channel. So make sure to subscribe, like, and I'll see you in the next video. When I never stop, the donators keep donating and the warriors keep roaring. I'm out with this. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram, and peace. And congratulations to Queen Walker Stephanie. Like, what? Queen Walker Stephanie, who nobody can beat this team. Damn! But congratulations. Guys, अभी तक गेन ही हो, मेरी कमेंट्री सुन रहे हो, मतलब जो अरे गेन ही गाइस, क्वीन वॉकर स्टेफनी अभी जीत चुकी है, क्या कर रहे हो गाइस, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जाओ जाओ, प्लीज जाओ।